बहुत यूनिक प्रोडक्ट हमें लाकर दे रहे हैं जो हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है मार्केट में फिर लोगों को एक बेहतर प्रोडक्ट मार्केट में प्रोवाइड करना। और इसकी वजह से सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस कब बढ़ता है, जब आप मार्केट में कोई ऐसी चीज लेकर जाते हैं जो बेस्ट चीज है, तो हमारा कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता है। और ये कॉन्फिडेंस एक बहुत बड़ी चीज ने और भी बहुत ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट किया, वो क्या था, 2019 में एलिमेंट्स वेलनेस को बेस्ट हेल्थ केयर ब्रांड 2019 से रिकॉग्नाइज किया गया है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने इनको ये रिकॉग्निशन दिया, जो खुद में एक बहुत बड़ी बात है, बिकॉज अपने मार्केट में आने के बाद विद इन 4 ईयर्स ये रिकॉग्निशन मिलना खुद में एक बहुत बड़ी बात है। तो इसका एक छोटा सा वीडियो है जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी, इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। Together for Elements Wellness. Joining us on stage next is the Economic Times Best Healthcare Brands. Ladies and gentlemen, this evening is about recognizing those who've done their very best in the healthcare segment, be it personal care, sports nutrition, wellness, all a part of good health and more. Many congratulations to the team. I'd like to thank you for joining us. So, अब हम इस प्रोडक्ट के बारे में डिटेल में जाकर इन्फॉर्मेशन लेंगे। इस प्रोडक्ट का नाम है फिट एंड स्लिम थेरेपी, जिसको आप FASTB कह सकते हैं। दिस इज अ वेट मैनेजमेंट प्रोडक्ट जो आपके वेट लॉस में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। आगे बात करें इस प्रोडक्ट को समझने से पहले कुछ हम जनरल चीजों पे बात करेंगे, वो क्या है। आज जो ओबेसिटी है, जिसको मोटापा कहते हैं, वो एक ग्लोबल एपिडेमिक बन गया है। आज हर एक दूसरा इंसान जो है उसको कुछ ना कुछ वेट लूज करने की जरूरत है। लेकिन इसका कारण क्या है, इसका कारण है नॉर्मल केस में क्या होता है, हम वेट कब गेन करते हैं, आप जितना खा रहे हैं, आप जितनी कैलोरीज ले रहे हैं, अगर आपकी फिजिकल एक्टिविटी उतनी है, अगर आप उतना वर्कआउट कर रहे हैं, आपके डेली के जो चोर्स हैं, आपके घर के जो काम है, आप उसमें उतना वर्कआउट हो जा रहा है, उतनी आपकी फिजिकल एक्टिविटी हो जा रही है, तो कोई वेट गेन नहीं होगा। जैसे पुराने जमाने का अगर टाइम हम ले, पुराने जमाने में कार नहीं हुआ करता था, लोग साइकिल से जाते थे या वॉक करते हुए जाते थे, घर की लेडीज को घर पे सारे काम हाथ से करने पड़ते थे। नाउ वी हैव एवरीथिंग, वी हैव अ वॉशिंग मशीन एट होम, हमारे पास मिक्सर ग्राइंडर है, बहुत सारी चीजें हमें हाथ से करने की जरूरत भी नहीं होती, हमारे पास उसके लिए मशीन है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, हम जितनी कैलोरीज खा रहे हैं उतना हम डेली वर्कआउट नहीं कर पा रहे हैं या डेली उसका एक्सपेंस नहीं हो पा रहा है, तो जाके आगे चलकर वेट गेन होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे आप जितना अर्न कर रहे हैं उतने आपके खर्चे, तो आपकी सेविंग कभी नहीं होगी। अगर आपकी इनकम ज्यादा है और आप खर्चे नहीं कर रहे, आप बहुत कंजूसी से रह रहे, तो ऑब्वियसली आपकी सेविंग होगी। लेकिन यहाँ की जो सेविंग है वो आगे चलकर थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, यहाँ की सेविंग ना हो तो हमारे लिए अच्छा है। लेकिन आज बोला जाता है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना क्या है कि ये ओबेसिटी है, अगर आपका वेट बहुत ज्यादा है, इट कैन लीड टू अ नंबर ऑफ डिजीजेस इन फ्यूचर, बहुत सारी बीमारियां आपको हो सकती हैं। स्पेशली जो सेंट्रल ओबेसिटी होती है, मतलब पेट के पास जब अगर ज्यादा चर्बी जम जाती है, ज्यादा फैट जब अक्यूमुलेट हो जाता है, तो इट कैन लीड टू लिवर प्रॉब्लम्स, आगे चलकर हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, डायबिटीज हो सकता है। क्यों, आपके जो ऑर्गेन्स है, जैसे हमारा लिवर है, हमारा पैनक्रियास है, उसके ऊपर जब फैट ज्यादा जम जाता है तो वो आगे चलकर वो ऑर्गन अच्छे से काम नहीं करता, आगे चलकर आपकी बोन से रिलेटेड, हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, कैंसर भी हो सकता है और ऐसी बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। हमें बीमारियों में डिटेल में नहीं जाना, बिकॉज आज हमें प्रोडक्ट को समझना है कि प्रोडक्ट बेसिकली क्या है। तो ओबेसिटी कैन लीड टू अ नंबर ऑफ हेल्थ इश्यूज, बहुत सारी बीमारियां लेकर आ सकता है। हम इसके लिए क्या करते हैं, बहुत सारे लोग मॉर्निंग वॉक्स करते हैं, बहुत सारे लोग मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, बहुत सारे लोग जिम ज्वाइन करते हैं बट रेगुलर उसको कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं, या बहुत सारे क्रैश डाइट भी स्टार्ट हो चुके हैं। आपको बहुत सारे मार्केट में डाइट मिलेंगे, आप अभी जैसे कीटो डाइट बहुत फेमस हुआ है, उसके भी कुछ साइड इफेक्ट देखे जाते हैं। अभी एक नया डाइट आया है, जो लोग न्यूट्रिशन या हेल्थ फील्ड से होंगे उनको पता होगा, आजकल ब्लड ग्रुप डाइट आ गया है, आपके ब्लड ग्रुप के हिसाब से आपको डाइट दिया जाता है। बट ये जो डाइट्स है ना, ये आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस, लॉन्ग टर्म रिजल्ट नहीं दे पाते हैं, तो इनसे हमें थोड़ा सा दूर रहना है। उसके बाद लाइपोसक्शन, आपके बॉडी से जो फैट है उसको सक करके एक्सट्रैक्ट बॉडी से किया जाता है, जो एक सर्जरी के थ्रू होता है। तो देयर आर नंबर ऑफ वेज जहां पे लोग आज इसको यूज करते हैं, ये तरीकों को यूज करते हैं अपने फैट को बर्न करने के लिए या ओबेसिटी से छुटकारा पाने के लिए। लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाते। सो व्हाट डू वी वांट, हमें क्या चाहिए,
वी वॉन्ट अ फैट बॉडी और वी वॉन्ट अ फिट बॉडी. तो इसको समझने से पहले एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताती हूँ. आपको पता है जापान में, जापान के लोग ना अपने हेल्थ को, अपने खासकर अपने वेट को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्शियस होते हैं. वहां पे अगर आपका जेंडर, आपका हाइट और आपकी एज के हिसाब से अगर आपका वेट नहीं है तो वहां की गवर्नमेंट आपको छुट्टी देती है कि आप घर जाओ, घर में जाओ, वर्कआउट करो, अपने वेट को मेंटेन करो और वापस काम पे आओ, क्योंकि वहां पे वेट को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है. और जापान के लोगों की जो उम्र है ना, इसकी वजह से बहुत ज्यादा उनकी लॉन्जिविटी बढ़ती है, उनकी उम्र बढ़ती है, क्योंकि एक हेल्दी वेट होने से बहुत अच्छा आपको आगे चलकर डेवलपमेंट होता है, आपका माइंड फ्रेश होता है, क्योंकि हेल्थ के मल्टीपल बेनिफिट्स हैं, स्पेशली हेल्दी वेट के मल्टीपल बेनिफिट्स हैं. लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा जो वेट है वो हेल्दी रेंज में है या नहीं? हम सबको पता है एमआई लाइफस्टाइल वेलनेस एंड सपोर्ट पे, वेलनेस के ऊपर बहुत सारे प्रोडक्ट्स को लेकर आती है और बहुत सारे सालों से वेलनेस पे काम कर रही है. हमारा जो ये प्रोडक्ट है वो आपका बॉडी वेट को लेकर, बॉडी वेट मैनेजमेंट के ऊपर ये प्रोडक्ट है. इसको समझने के लिए आपके बॉडी वेट जो है वो हेल्दी है या नहीं, हमें एक चीज याद रखनी है जिसको हम कहते हैं BMI, जिसको हम कहते हैं बॉडी मास एंड इंडेक्स. इस फॉर्मूले के थ्रू आप ये जान सकते हैं कि आपका जो वेट है वो हेल्दी है या नहीं, या आपको कुछ एक्स्ट्रा किलोस शेड करने की, कम करने की जरूरत है. आपको सिंपली क्या करना है, गूगल में जाइए, वहां पे BMI कैलकुलेटर डालिए, आपको ऐसा ही कैलकुलेटर मिल जाएगा, बहुत सारे लिंक्स आपको दिखेंगे. आप उसमें अपना वेट और हाइट जब आप डालेंगे और यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो आपको आपका BMI मिल जाएगा. अगर आपका BMI 25 के ऊपर है तो आप ओवरवेट हैं, मतलब आपका थोड़ा वजन ज्यादा है. अगर आपका BMI 18.5 से 24.9 के बीच में है तब आप एक हेल्दी रेंज में आते हैं, आपका वेट हेल्दी है. लेकिन अगर आपका BMI 30 के ऊपर चला गया है तो आप ओबीज हैं, आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है. और अगर वो 35 के ऊपर आपका BMI गया है देन इट्स एन अलार्मिंग रेंज, आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि फ्यूचर में आपको बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है. लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे भी होंगे जो इतने टेक से भी नहीं होंगे, उनको इतना गूगल या इतना इंटरनेट के बारे में आइडिया नहीं होगा, तो वो क्या कर सकते हैं, दे कैन डू अ स्ट्रिंग टेस्ट एट होम. घर पे आप ये स्ट्रिंग टेस्ट कर सकते हैं. ये स्ट्रिंग टेस्ट सबसे सिंपल तरीका है जिसके लिए आपको कोई गैजेट की जरूरत नहीं है, कुछ भी जरूरत नहीं है, आपको बस एक स्ट्रिंग की जरूरत है जिसको आप रस्सी, धागा, कुछ भी बोल सकते हैं. आपको अपने हाइट के अकॉर्डिंग एक रस्सी लेनी है, एक धागा लेना है और आपकी हाइट के अकॉर्डिंग उसको आप नाप लीजिए. आपके पास एक धागा हो गया जो आपके हाइट के जितना लंबा है, आपको उसको फोल्ड कर लेना है. जब आप उसको फोल्ड करेंगे तो हाफ हो जाएगा. तब आपको उसको अपने कमर पे रखना है. कमर पे भी कहाँ रखना है, जो आपका नेवल पॉइंट होता है, नाभि जिसको हम कहते हैं, उसके पास रखना है और उसको मेजर करना है. अगर उसके दोनों एंड हाफ करने के बाद अगर वो मिल रहे हैं तो आपका हेल्दी वेट है. अगर वो स्ट्रिंग नहीं मिल रहा है, वो टाइट हो रहा है, थोड़ा सा गैप हो रहा है, तो आपको वेट लूज करने की जरूरत है. तो दिस इज अ स्ट्रिंग टेस्ट जो हम सब आज के आज ही अपने घरों पे कर सकते हैं, जिससे हमें पता चलेगा क्या हमें कुछ लेने की जरूरत है या क्या हमें कुछ ध्यान देने की जरूरत है अपने हेल्थ के ऊपर. तो ये स्ट्रिंग टेस्ट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टेस्ट है जो आप अपने घर में लोगों के साथ भी कर सकते हैं. आप किसी को ये प्रोडक्ट बताने जा रहे हैं, उसके सामने बैठकर आप उनका ये स्ट्रिंग टेस्ट कर सकते हैं. ये बहुत ही अच्छा स्ट्रिंग टेस्ट है. उसके बाद क्या क्या रीजंस है. सबसे पहला रीजन जो देखा जाता है वो होता है नॉट ईटिंग राइट. आप खाना तो खा रहे हैं, आप सुबह दोपहर शाम टाइम पे खा रहे हैं, लेकिन आप नाश्ते में छोले भटूरे खा रहे हैं, डिनर में पिज्जा खा रहे हैं, तो आप क्या खा रहे हैं ना, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. अगर आपके खाने में ज्यादा प्रोसेस्ड फ्लॉर जैसे आपका मैदा हो गया या बर्गर हो गया, फ्रेंच फ्राइज हो गया ज्यादा है, तो आपका वेट गेन ऑब्वियसली होगा. दूसरी चीज, आपके खाने में ज्यादा कार्बोहाइड्रेट है. बहुत सारे लोग, याद रखिएगा, हमारा जो खाना है ना, इट शुड बी बैलेंस्ड. कार्बोहाइड्रेट भी जरूरी है, प्रोटीन भी जरूरी है, फैट्स भी जरूरी है, विटामिन भी जरूरी है, मिनरल्स भी जरूरी है, सारी चीजें जरूरी है. अब ये नहीं कि बस राइस लेकर बैठ गए, आपको बस चावल ही नहीं खाना, चावल के साथ दाल भी होना चाहिए, सब्जी भी होनी चाहिए, चटनी भी होनी चाहिए. ये सारी चीजें आपको बैलेंस मील देती है. लेकिन बहुत सारे लोग ज्यादा कार्बोहाइड्रेट ही खाते हैं, ज्यादा राइस ही खा रहे, पास्ता ही खा रहे, पिज्जा ही खा रहे, ये सारी चीजें, ब्रेड ज्यादा खा रहे, तो इसकी वजह से भी वेट गेन देखा जाता है. बहुत ज्यादा फ्राइड फ्रूट खा रहे हैं, बहुत ज्यादा फ्राइड स्टफ खा रहे हैं,
बहुत सारे लोगों को समोसा या ये सब चीजें पसंद होती हैं, कोशिश करिए बाहर का ये फ्राइड आइटम्स अवॉइड करना। बाहर जब वो लोग फ्राई करते हैं वो कभी भी ऑयल को रिप्लेस नहीं करते, उसी ऑयल में नया तेल डालते जाते हैं, जो बहुत ज्यादा आपको आगे चलकर बीमारियां लेकर आता है। समोसा खाना है घर में बनाइए, फ्रेश तेल में फ्राई करिए, लेकिन वो भी महीने में एक बार होना चाहिए। रोज भी फ्राइड स्टफ हमें नहीं खाना है। एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं करना एक बहुत बड़ा रीजन है। इसके ऊपर मैं लास्ट में एक छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट लूंगी। आप जितना खा रहे हैं उस हिसाब से आपका फिजिकल एक्टिविटी भी उतना होना चाहिए, मीन्स इनपुट एंड आउटपुट का बैलेंस होना चाहिए। दूसरी चीज, अगर आपका थायराइड बैलेंस नहीं है, थायराइड इम्बैलेंस है, तो हमें बहुत सारे टाइम पे फूड क्रेविंग होती है, खाने का ज्यादा मन करता है, तो इसकी वजह से भी वेट बढ़ता है। आपका डाइजेशन सही नहीं है, आप दुनिया का सबसे हेल्दी खाना खा रहे हैं बट स्टिल आपका बॉडी आपके खाने को अच्छे से पचा ही नहीं पा रहा है, आपका खाना आपके बॉडी में अच्छे से लग नहीं रहा है, आपका बॉडी उसको एब्जॉर्ब ही नहीं कर पा रहा है, लिवर की प्रॉब्लम है, बहुत सारी रीजन इसमें कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। आपको डायबिटीज है या आपको मतलब आपको शुगर की प्रॉब्लम है, उस कंडीशन में भी देखा जाता है कि वेट कभी कभी बढ़ता भी है और कभी कभी बहुत सारे पेशेंट्स में कम भी हो जाता है, लेकिन वेट बढ़ने के चांसेस ज्यादा देखे जाते हैं। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, कुछ लोग खाते कम हैं लेकिन तब भी उनका वेट ज्यादा बढ़ जाता है, और कुछ लोग होते हैं ना मतलब वो कुछ कितना भी खा लेंगे उनका वेट नहीं बढ़ता, तो कभी कभी जीन्स भी यहाँ पे एक बड़ा रोल प्ले करता है। तो लेकिन इसको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, आपके प्रॉपर डाइट से हम उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत सारे लोग स्ट्रेस में ओवर ईट करते हैं। याद रखिएगा, जो हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होते हैं ना, हमारी बॉडी में कॉर्टिसोल नाम का एक हार्मोन बनता है और हमें बहुत ज्यादा ओवर ईट करने का मन करता है, हमें बहुत सारा बिंज ईटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, तो इसके लिए थोड़ा सा अवॉइड करना है। कभी किसी चीज को लेकर हम स्ट्रेस में हैं, या स्पेशली लेडीज जिनका मेनोपॉज होने वाला है, मतलब पीरियड्स आना उनका बंद होने वाला है, उस टाइम पे बहुत सारी लेडीज को स्वीट क्रेविंग होती है या ज्यादा खाने का मन करता है, तो ये भी एक रीजन देखा जाता है। अब हम क्या कर सकते हैं, हम अपने हेल्थ का चार्ज कैसे ले सकते हैं? तो सबसे पहली एक चीज है, हमें अवेयरनेस होना चाहिए। बहुत सारे लोगों को एक्चुअल में अवेयरनेस नहीं है कि क्या खाना है, वो घर का ही खाना खा रहे हैं लेकिन उनका तब भी वेट क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि एक प्रॉपर अवेयरनेस होना चाहिए कि कार्ब्स कितना खाना है, प्रोटीन कितना खाना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको फ्यूचर में मिलने वाली है। खुद से सेल्फ कमिटमेंट होना चाहिए। याद रखिएगा, अगर आप खुद से कमिटमेंट नहीं करेंगे रिजल्ट नहीं मिलने वाला, कोई भी काम हो चाहे वो वेट लॉस ही क्यों ना हो, आपको सेल्फ कमिटमेंट होना जरूरी है। यू शुड हैव अ प्रॉपर एक्सरसाइज रूटीन, आपका एक प्रॉपर एक्सरसाइज रूटीन होना चाहिए। आपको लेजीनेस थोड़ा सा आपको ओवरकम करना पड़ेगा। आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करिए, आप वॉकिंग कर सकते हैं, आप जॉगिंग कर सकते हैं, आप जिम कर सकते हैं, जुम्बा डांसिंग, योगा, एनीथिंग यू कैन डू। कहीं बाहर नहीं जा सकते, 12 स्टेप है सूर्य नमस्कार के, आप घर में 10-15-20 सूर्य नमस्कार से स्टार्ट करिए, 5 से स्टार्ट करिए, बट इंडल्ज योरसेल्फ इन एनी फिजिकल एक्टिविटी यू कैन। कोई भी फिजिकल एक्टिविटी जो आप कर सकते हैं उसमें प्लीज खुद को इंडल्ज करिए, एक घंटा अपने लिए जरूर निकालिए। आपका जो एक्सेस कार्बोहाइड्रेट है, जो आप ज्यादा भी अगर खा रहे हैं तो आपकी बॉडी में वो फैट में स्टोर नहीं होगा, और आप ज्यादा थोड़ा प्रोटीन वगैरह अपने खाने में इंक्लूड करिए। एक चीज है जिसको आज से नहीं, हजारों सालों से लोग फॉलो कर रहे हैं, वो है फास्टिंग। माय डियर फ्रेंड, फास्टिंग कैन डू वंडर्स, बहुत सारी अच्छी चीजें फास्टिंग हमारी बॉडी में करता है। और अभी तो एक ट्रेंड चल रहा है इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या है, उसके बहुत सारे वेज हैं, बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन एक जो सबसे ज्यादा मार्केट में है वो है 16:8, मतलब आपको 8 घंटे खाना है और 16 घंटे फास्ट रखना है। मतलब अगर आपने 10 बजे नाश्ता किया है, 10 बजे ब्रेकफास्ट किया है, तो आपको 6 बजे तक ही अपना डिनर करना है। आपको जो भी नाश्ता खाना खाना है वो आपको 10 बजे सुबह से लेकर शाम के 6 बजे तक ही खाना है, और 6 बजे के बाद आपको फास्ट रखना है अगले दिन सुबह 10 बजे तक। तो ये इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत ज्यादा मार्केट में अभी ट्रेंड में है। अगर आपसे ये नहीं हो सकता डेली बेसिस पे, एक दिन का फास्ट करना स्टार्ट करिए। वीक में एटलीस्ट हफ्ते में एक दिन आप अपनी बॉडी को आराम दीजिए। दुनिया की हर मशीन को छुट्टी चाहिए होती है, हमारा ये मशीन करोड़ों का है, इसको भी एक दिन का आराम चाहिए। एक दिन डेली आप फास्ट कर सकते हैं हफ्ते में, उसमें आप नींबू पानी हनी शहद के ऊपर आप रह सकते हैं, फुल डे आपको एनर्जी बिल्कुल मिलती रहेगी, हनी में बहुत एनर्जी होती है, नींबू पानी, तो ये सब अपनी डेली लाइफ में आप कर सकते हैं। एक्सेसिव डाइटिंग कभी मत करिए कि खाना ही छोड़ दिया है, आपको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो जाएगी और 10 तरीके की बीमारियां होना स्टार्ट हो जाएंगी। लेकिन
एक हेल्दी वेट मैनेजमेंट का मंत्रा क्या है? इस मंत्रे को आप कह सकते हैं डेल। डेल से डी से स्टार्ट होता है डाइट। यू शुड हैव अ प्रॉपर डाइट। माय फ्रेंड, बोला जाता है हमारे आयुर्वेद में भी और अभी न्यूट्रिशन साइंस में भी ये चीज बोली जाती है, हमारा जो शरीर है ना, हमारा बॉडी जो है वो 80% अल्कलाइन है और 20% एसिडिक है। अल्कलाइन चीजें हमें किधर से मिलती हैं? जो हम फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, उससे हमें अल्कलाइन चीजें मिलती हैं। लेकिन हमारे खाने में आज ज्यादा एसिडिक चीजें हैं। दिन में हम 4 बार चाय पीते हैं, हम प्रोसेस्ड फूड ज्यादा खाते हैं, हम चिप्स, पास्ता, पिज्जा, बर्गर, वड़ा पाव, ये तली भुनी चीजें ज्यादा खा रहे हैं। मतलब हम एसिडिक चीजें ज्यादा खाते हैं, अल्कलाइन चीजें कम खाते हैं, इसीलिए हमें बीमारियां होती हैं। दूसरी चीज है एक्सरसाइज। आपके लाइफस्टाइल में एटलीस्ट आपको 1 घंटे एक्सरसाइज जरूर करना है। और जो थर्ड चीज है एल, मतलब लाइफस्टाइल। याद रखिएगा, अगर आप कोई भी ऐसा कोई मार्केट का कोई पिल खा रहे हैं या कोई भी ऐसी चीज खा रहे हैं और आपके ये तीनों चीजें आप फॉलो नहीं कर रहे हैं, नथिंग इज गोइंग टू वर्क। कोई भी चीज काम नहीं करने वाली है। आपका एक प्रॉपर स्लीप साइकिल होना चाहिए, आपको टाइम पे खाना खाना चाहिए। स्ट्रेस एक बहुत बड़ा रीजन है आपके वेट गेन को बढ़ाने, आपके वेट को बढ़ाने में तो स्ट्रेस एक बहुत बड़ा फैक्टर है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग ना ये सब चीजें कर रहे होते हैं डेली बेसिस में, स्टिल उनका वेट लूज नहीं होता है। तब एक चीज आती है, जैसे कि एग्जांपल से समझिए, 2 बच्चे हैं, दोनों एक ही क्लास में, एक उसी टीचर से पढ़कर टॉप कर रहा है, दूसरे को वही स्कूल वही टीचर मिल रहा है लेकिन उसको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, तो वो कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करता है, क्योंकि सबकी बॉडी अलग अलग होती है। कभी कभी क्या होता है, हमें एक ऐसी चीज को ऐड करना पड़ेगा जो हमारे इस वेट लॉस जर्नी को एक्सेलरेट कर दे, उसको और बढ़ा दे। तब इस DEL में एक चीज ऐड होती है जिसको हम कहते हैं F। F का मतलब फूड बेस्ड सॉल्यूशन फॉर डाइटरी मैनेजमेंट। मतलब एक ऐसा सॉल्यूशन जहां पे फूड बेस्ड रहकर हम उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर रहे हैं, हम वेट का जो प्रॉब्लम है उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो इट्स अ वेट मैनेजमेंट सॉल्यूशन जो आपके लिए कंपनी लेकर आई है, जिसका नाम है फास्ट। फास्ट तो मैं इसको नहीं बोलूंगी और आपको किसी को भी ये नहीं बोलना है कि फास्ट है जल्दी जल्दी वेट लॉस करेगा। इट्स FAST, दैट इज फिट एंड स्लिम थेरेपी। तो ये कोई प्रोडक्ट नहीं है, इसको सॉरी मैंने प्रोडक्ट बोला, दिस इज नॉट अ प्रोडक्ट, इट्स अ वेट मैनेजमेंट सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्यों है वो आपको लास्ट में पता चलेगा। तो ये जो प्रोडक्ट है हमारा, ये जो सॉल्यूशन है हमारा, ये साइंस पे बेस्ड है, फूड एंड न्यूट्रिशन पे बेस्ड है। यहाँ पे आपको प्रॉपर एजुकेशन मिलेगा, प्रोडक्ट तो मिल रहा है उसके साथ एक प्रॉपर एजुकेशन आपको यहाँ पे मिलेगा इस प्रोडक्ट से रिलेटेड और भी बहुत सारी चीजों से रिलेटेड। देखते हैं इस प्रोडक्ट में क्या क्या है। सबसे पहले ये जो प्रोडक्ट है, ये जो सोल्यूशन है हमारा वेट मैनेजमेंट सोल्यूशन, इसमें ना एक पूरा कॉम्बो किट आता है जिसमें 3 चीजें हैं। पहला है वेट मैनेजमेंट शेक, एक शेक मिलेगा। दूसरा है इंस्टेंट मिक्स फॉर्मूला सूप, एंड द थर्ड इज वेट मैनेजमेंट कैप्सूल। ये 3 चीजों का कॉम्बो है। और ये जो प्रोडक्ट है ना, मार्केट में ऐसा कोई भी प्रोडक्ट नहीं है, ये एक मार्केट के प्रोडक्ट से बहुत ही डिफरेंट प्रोडक्ट बनाया गया है, एक इनोवेशन पे बनाया गया है। एक फर्स्ट टाइम ऐसा इनोवेटिव प्रोडक्ट हमारी कंपनी लेकर आई है, फूड बेस्ड अप्रोच है। यहाँ पे हम आपको ये नहीं कह रहे कि खाना छोड़ दो, बस एक ये पिल ले लो, ये कैप्सूल ले लो और आपका वेट कम हो जाएगा। हम यहाँ पे कह रहे हैं प्रॉपर ब्रेकफास्ट करो, प्रॉपर लंच करो, प्रॉपर डाइट करो, उसके साथ आप वेट लूज करो। तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ, लाइफस्टाइल रिकमेंडेशन के साथ आपके लिए एक स्पेशल जबरदस्त प्रोडक्ट लेकर आया है। तो अभी हम देखते हैं इस प्रोडक्ट में एक एक जो चीजें हैं उसको हम सेपरेट में जाकर देखते हैं। सबसे पहले जो हमारा ये वेट मैनेजमेंट शेक है, ये जो प्रोडक्ट, ये जो हमारा ये शेक बनाया गया है, ये न्यूट्रिशन साइंस पे बेस्ड है। और ये जो शेक है इस